बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मुजफ्फर सरफराज है और आज हम क्रिमिनोलॉजी फॉर सीएसएस सीरीज़ का फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। तो मैंने आपको दो मेजर टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं और आज काफ़ी सारे ना शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन होता है इसके अंदर ना क्रिमिनोलॉजी के पेपर में। तो मैंने आज सोचा है कि मैं आपको ना शॉर्ट नोट्स पढ़ा देता हूँ। एक तो ये पढ़ने में बहुत आसान है, ठीक है, थोड़ा सा लाइट हो जाएगा लेक्चर हमारा एक, और उसके बाद जो है ना आपकी शॉर्ट नोट्स ख़त्म हो जाएंगे, आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो बहुत आसान लेक्चर आज हमारा, हमने शॉर्ट जो नोट्स हैं उनको पढ़ना है हमने। तो उनमें कौन कौन से हैं, सबसे पहले है मीडिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्राइम, अर्बनाइजेशन एंड क्राइम, जेंडर एंड क्राइम, स्टॉप एंड फ्रिक्स ऑपरेशन, सर्च एंड सीजर। तो हमने ये पेपर में आ चुके हैं, ये जितने भी हैं आपके पास, जेंडर एंड क्राइम, स्टॉप एंड फ्रिक्स तो दो दफ़ा आ चुका है, सर्च एंड सीजर भी आ चुका है पेपर में। तो आपके पास ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए शॉर्ट नोट का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि 10-10 मार्क्स के होते हैं, तो इसमें ना मैक्सिमम मार्क्स आप ले सकते हैं। अगर आप 20 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर अगर आप 16 लेना अगर आप चाहें तो आपके लिए उसको काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। लेकिन शॉर्ट नोट के अंदर जो है इसके अंदर आप क्या नाम है 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, आप इजीली इसमें ले सकते हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है पेपर में शॉर्ट नोट का तो आप उसको प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है। तो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मीडिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्राइम। देखिए हम मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। आपको पता है कि मीडिया के ऊपर इस टाइम सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डीजी ISPR आसिफ वसू फूर साहब ने कुछ टाइम पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया था कि मीडिया अपना रोल प्ले नहीं कर रहा। वो क्यों नहीं कर रहा, क्यों आकर DGISPR को इश्यूज़ के ऊपर इतनी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती हैं, ट्वीट्स करने पड़ते हैं, हर छोटी बात को जो है वो DGISPR को आना पड़ता है। ये एक फिनोमिना है। इसमें क्या होता है कि आप मीडिया के थ्रू जो है वो प्रॉक्सी वॉर्स को, हाइब्रिड वॉर को ब्रेक करते हैं। तो क्योंकि हमारा मीडिया जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता तो फिर अनफॉर्चुनेटली दूसरे इदारों को वो लेना पड़ता है। फिर हम वो कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होती है आर्मी की तरफ से, ये है वो है, बट एट दी एंड अगर हम देखें तो मीडिया अपना रोल प्ले नहीं कर रहा। अब मीडिया की जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्राइम की, देखें हाईलाइट करना एक अलग चीज़ है लेकिन सेंसेशनलिज्म जो है वो एक अलग चीज़ है। हाईलाइट ये होता है कि अगर किसी जगह पे क्राइम कमिट होता है तो उस क्राइम को हाईलाइट करना है, उस क्राइम की कॉजेज फाइंड करना भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के अंदर आता है, ठीक है, उसके प्रिवेंटिव मेजर्स प्रोवाइड करना, ठीक है, एजुकेट करना आवाम को, वो सारा का सारा मीडिया रिप्रेजेंटेशन के अंदर आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान या फिर आप अगर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात करें, लाइक इंडिया की भी हम बात कर लें, तो सेंसेशनलिज्म के अलावा और कुछ भी नहीं होता। तो इन अब आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी का इशू है, पाकिस्तान के अंदर हेल्थ का इशू है, एजुकेशन का है, सैनिटेशन का है, जस्ट ग्लैमराइज किया जाता है इशू को कि कराची के अंदर ये हो रहा है, इस तरह नकल मारी जा रही है, इस तरह चीटिंग हो रही है, वहाँ पे पेपर्स किस तरह फरोख्त हो रहे हैं। हाईलाइट ये नहीं है, हाईलाइट नहीं, ये तो आप सेंसेशनलिज्म क्रिएट कर रहे हैं। आपने कितने सैनिटेशन के ऊपर प्रोग्राम किए कराची के अंदर, आपने कितने जो चाइल्ड रेप हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर कितना एक ओपन डिबेट शुरू हुई कि रिफॉर्म्स किस तरह लेके जाने, किस तरह सिलेबस के अंदर हमने एजुकेट कैसे करना, पर उसके ऊपर क्या बात हुई। यहाँ पे क्राइम कमिट होता है, एक 4 से 5 साल की बच्ची का रेप होता है, मीडिया इस तरह सेंसेशनलिज्म फैलाता है कि उनके पेरेंट्स को, उसके नेबर को, किसी को, हर बंदे को पकड़ पकड़ के इंटरव्यू ले रहे हैं, एक वालदेन के ऊपर इतना बड़ा सानिया गुजर चुका होता है और ये अपनी दुकान चला रहे होते हैं। क्योंकि होता क्या है कि मर्डर जो रेप होते हैं ये ज़्यादा बज क्रिएट करते हैं, मोर ऑडियंस अट्रैक्ट करते हैं, छोटे क्राइम इतनी ऑडियंस अट्रैक्टिंग करते हैं। आप 8 से शुरू हो जाएं, 8 से लेके 11 बजे तक के जितने टीवी चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम आते हैं, आप देखें किस चैनल के ऊपर सीरियसली इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ इशू के ऊपर, सैनिटेशन इशू के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, किस चैनल के ऊपर सीरियस एक्सपर्ट बिठा के बात हो रही है, जिसका जिक्र DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किया कि आप 2 दिन
तो कम से कम नेशनल इश्यूज के ऊपर फिक्स कर लें, पॉलिटिकल इश्यूज जिनके ऊपर उन्हें मोर ऑडियंस मिलती है वो उधर अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ भी मैंने इतनी बड़ी आपको डिबेट की, बेसिकली मैंने आपको बताया कि मीडिया की रिप्रेजेंटेशन क्या है। अब क्राइम को लेके उसकी क्या है, सेंसेशनलाइज करना, ठीक है, सेंसेशनलिज्म पैदा करना, ठीक है, बज क्रिएट करना, मोर ऑडियंस अट्रैक्ट करना, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को डीमोरलाइज करना, उनको बताना कि इनकॉम्पिटेंट है, काम कर रहे होते हैं लेकिन ये बताते हैं जी इनकॉम्पिटेंट है। तो क्या होता क्या है, डिसऑर्डर पैदा होता है सोसाइटी में, एक एग्जाइटी पैदा होती है, एक बेचैनी पैदा होती है, सबको लगता है यार पुलिस तो करप्ट है, सबको लगता है लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसी है वो तो काम नहीं कर रही, ठीक है। तो मीडिया की रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, और वंस के मतलब इनकी ऑडियंस गेट हो जाती हैं, बज क्रिएट हो जाता है, उसके बाद 5 से 6 दिन बाद उस इशू को दबा दिया जाता है। ये नहीं बताया जाता कि उस इशू के ऊपर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने क्या काम किया, क्या उनको कामयाबी मिली क्या नाकामी मिली, किसी का इनको एक बहुत अच्छा तरीका मिल गया है कि हमारे ज़राए के मुताबिक फलां ये हो गया, हमारा अब मतलब ज़राए, अब ज़राए लिख दिया, मतलब ज़राए आप कुछ भी कह सकते हैं, ज़राए के मुताबिक आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो उनको एक लाइसेंस मिला हुआ बेसिकली बज का, फेक न्यूज़ क्रिएट करने का, ठीक है। तो ये मीडिया की रिप्रेजेंटेशन है क्राइम के हवाले से। अब ये करते किस तरह है, यानी कि किस तरह मीडिया क्राइम को ना रिप्रेजेंट करता है और मीडिया एक वजह बनता है क्राइम करने की, वो क्या है, सब इसके कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इमिटेशन है, यानी कि रोल मॉडल प्रोवाइड करते हैं डेवियंट को। डेवियंट मैंने आपको बताया था, जब भी मैं डेवियंट का वर्ड यूज करूंगा तो डेवियंट का मतलब होगा सोशल डेवियंट, यानी कि ऐसा पर्सन जो कि सोशली डेवियंट हो चुका है, जो सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज से डेविएट कर गया है, उसको सोशल डेविएंट बोलते हैं, ठीक है। तो एक जो सोशल डेविएंट है, जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज से दूर हट रहा है, उसको जब एक रोल मॉडल के तौर पर प्रोवाइड करता है क्रिमिनल को, तो उसके लिए एक मतलब एक ऐसे लगता है जैसे उसको प्रोफेशन मिल गया है कोई काम करने का, ठीक है ना। नंबर 2, ये अराउज्ड, यानी कि वायलेंट और सेक्शुअल जो इमेजेस होती हैं उनको डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है, बगैर कुछ सेंसर किए हुए ये सेक्शुअल क्राइम्स दिखाए जाते हैं। आप ये जो मुख्तलिफ किस्म के शोज होते हैं, कोई देखे ना देखे, शबीर तो देखेगा, कहानी एक दिन की, इस तरह के फजूल शोज होते हैं, आप इनके अंदर देखें, मोस्टली जो क्राइम होते हैं वो वायलेंट और सेक्शुअल क्राइम्स होते हैं, कि मतलब किसी एक स्टोरी दिखाई जाती है, किसी का रेप हो जाता है, वो लड़की भाग जाती है, किसी का मर्डर हो जाता है, इनके वायलेंट किस्म के क्राइम्स दिखाए जाते हैं। बेसिकली एक तरीका प्रोवाइड किया जाता है कि जी आप क्राइम इस तरीके से भी कमिट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर जो 3 है हमारे पास, डिसेंसिटाइजेशन है हमारे पास, यानी कि अब आपने एक दफ़ा एक सीन को दिखा दिया, उसके बाद बार बार रिपीट होगा, वो रिपीट होगा, रिपीट होगा, 5 दिन तक वो एक चीज़ चलती रहेगी जब तक कुछ और नहीं मिल जाता, ठीक है। और क्रिमिनल टेक्निक्स नंबर 4 है कि क्रिमिनल टेक्निक्स प्रोवाइड की जाती हैं, बताया जाता है ये काम आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक एक चीज़ को उसको दिखाया जाता है, इस तरह ग्लैमराइज किया जाता है कि ऐसे लग रहा होता है कि शायद ही नॉलेज प्रोवाइड करें कि जी आप इस तरह भी क्राइम कमिट कर सकते हैं। फिर ये जो मैसेज हैं, जो ऑडियंस हैं उनके अंदर ना स्टिमुलेट, उनकी डिज़ायर को स्टिमुलेट करते हैं ये मीडिया, जो मीडिया की जो रिप्रेजेंटेशन है ना, उनके स्टिमुलेशन ऑफ देयर डिज़ायर, ठीक है। और मैंने जैसे बताया कि पुलिस डिपार्टमेंट है या कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का डिपार्टमेंट, उसको इनकॉम्पिटेंट ही पोर्ट्रे किया जाता है। आप देख लें कि कभी किसी चैनल पे आप पुलिस की अच्छाई नहीं सुनेंगे, आप बेसिकली पुलिस इतना बदनाम डिपार्टमेंट है नहीं जितना बना दिया गया है। क्या अगर पूरे मुल्क की पुलिस ही करप्ट है, सारे कुछ भी काम नहीं कर रहे, तो क्या ये सोसाइटी पॉसिबल थी, क्या ये जो हमारे अंदर ऑर्डर नज़र आ रहा है, क्या ये ऑर्डर था? क्राइम किस कंट्री के अंदर नहीं हो रहे, किस कंट्री के अंदर रेप क्राइम नहीं हो रहे, किसके अंदर मर्डर नहीं हो रहे, कहाँ पे किडनैपिंग नहीं हो रही, कहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हो रहा, किस कंट्री में, कौन सा वो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है जहाँ पे क्राइम कमिट नहीं होते, हर जगह होते हैं, ठीक है। उसके लिए प्रिवेंशन और मिटिगेशन स्टेप्स होते हैं, और वो तमाम स्टेक होल्डर, मीडिया इज ऑल्सो द स्टेक होल्डर, मीडिया इज, हम कहते नहीं है कि मीडिया 4th pillar ऑफ द स्टेट, तो मीडिया तो अपना रोल प्ले नहीं कर रहा एज ए 4th pillar ऑफ स्टेट। और मैं आपको एक बात बताऊं, आज के दौर के अंदर मीडिया की बहुत, बाकी जो हमारी जो स्टेट पिलर्स हैं स्टेट के, उनसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मीडिया अवेयरनेस पैदा कर सकता है। क्या मीडिया नहीं बता सकता कि रोड कैसे क्रॉस करना है? क्या मीडिया नहीं बता सकता कि ये जो हमारे 74 इंसिडेंट्स हो चुके हैं रेलवे के,
एक साल के अंदर अंदर ये क्यों हो गए हैं? क्योंकि उनमें से तीन चार को छोड़कर बाकी सारे लोगों की बेवकूफ़ियों की वजह से हुए हैं। अगर कोई अब रेलवे ट्रैक के ऊपर सो रहा है या बैठ के वहाँ पे ताश पत्ते खेल रहा है या वहाँ पे स्कूल बनाए हुए हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं वहाँ पे, तो ट्रेन का हादसा होना तो बिल्कुल बरहक है, होना ही होना है वो तो ये कौन एजुकेट करेगा, कौन बताएगा? ये तो हाईलाइट करना की हद तक तो ठीक है, लेकिन हाईलाइट करते ही नहीं है। हाईलाइट तो जैसे एक टूल होता है कि जी हम तो इशू को हाईलाइट कर रहे हैं। उसके बाद जो ऑफेंडर्स होते हैं जो कि कमिट करते क्राइम, उनको ग्लैमराइज किया जाता है, उनके इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे कि मतलब कोई हीरो है जी, वर्ल्ड कप जीत कर आया पाकिस्तान के लिए। उसके बाद ये पैनिक्स क्रिएट करते हैं। देखिए ना, जब आप एक अब पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ 2-3 साल में चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड रेप के बहुत ज़्यादा वाकयात हुए हैं, ठीक है? तो आप अपनी सोसाइटी में देखें, आप इर्द गिर्द देखें, आपको पेरेंट्स जो हैं वो एक मॉरल पैनिक का शिकार नजर आएंगे। वो अपने छोटे बच्चों को बाहर भेजने से डरते हैं। किसी हद तक उनकी बात ठीक है, लेकिन ये इतना जो पैनिक क्रिएट किया गया है, ये किस लिए क्रिएट किया गया है? ये मीडिया की रिप्रेजेंटेशन है, मीडिया की रिप्रेजेंटेशन है। क्या मीडिया गाइड नहीं कर सकता कि आपने अगर बच्चे बाहर निकलना है तो आप किसी बच्चे को अगर जस्ट सपोज एक छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस बना के गाइड नहीं किया जा सकता? कार्टून्स नहीं बनाए जा सकते? पॉलिटिशियंस के कार्टून बनाए जाते हैं, हर किसी के कार्टून बनते हैं। क्या कार्टून्स की फॉर्म में या इन अ वेरी लाइट वे के अंदर क्या मीडिया जो है वो गाइड नहीं कर सकता छोटे बच्चों को कि कोई आपसे बात करे, अजनबी शख्स, आपने उससे सलाम नहीं करना, कोई आपको चीज़ दे आपने उसे नहीं लेना, किसी अनजान इंसान के साथ आपने चलना नहीं है, तो क्या मीडिया गाइड नहीं कर सकता? लेकिन मीडिया को बस इंटरव्यू, अपने ऑडियंस, अपने ग्लैमराइजेशन उनसे मतलब है, क्योंकि एक बिजनेस है बहुत बड़ा, ठीक है? नंबर टू हमारा टॉपिक है अर्बनाइजेशन एंड क्राइम। देखिए, एक बात तो ये कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है कि अर्बनाइजेशन और क्राइम के अंदर एक एक प्रॉपर स्टेटिस्टिक के साथ पेश करना कि फला जगह इतना क्राइम होता है, वहाँ पे अर्बनाइजेशन है, लेकिन इतना एक्यूरेट नहीं बताया जा सकता। लेकिन ये फॉर श्योर है कि जो बिग सिटीज़ हैं, जो अर्बनाइज्ड या इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटीज़ हैं, वहाँ पे क्राइम रेट ज़्यादा है, ये हर जगह। और ये आप किसी भी मुल्क के अंदर देख लें आपको नज़र आएगा, आपको ये इंडिया में नज़र आएगा, आपको ये बांग्लादेश में, श्रीलंका में, पाकिस्तान है, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। उसके बाद अगर आप मॉडर्न कंट्रीज़ में चले जाएँ तो आपको यूएसए, आपको वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी आपको यही चीज़ नज़र आएगी। दो, कि क्राइम का जो टाइप है, कैटेगराइजेशन ऑफ क्राइम है, वो डिफरेंट हो सकती है। यानी कि किसी कंट्री में क्राइम ज़्यादा, रेप ज़्यादा हो रहे हो, कि किसी कंट्री के अंदर मर्डर ज़्यादा हो रहे हैं, कहीं रॉबरी, कहीं आपके पास थेफ्ट के या फिर असॉल्ट के क्राइम ज़्यादा हो रहे होंगे, लेकिन क्राइम रेट हमेशा अर्बनाइज और इंडस्ट्रियलाइज सिटीज़ के अंदर ज़्यादा होता है। मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? तो अगर हम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना इसको, तो अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ी कॉज है क्राइम की कमिट होने में, ठीक है? लेकिन हम यूँ भी नहीं कह सकते कि हम अर्बनाइजेशन एक बहुत बुरी चीज़ है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अर्बनाइजेशन अच्छी चीज़ है, लेकिन अब आप देखिए ना, हर किसी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स तो होते हैं ना, ठीक है? तो अर्बनाइजेशन का क्राइम के साथ डायरेक्टली लिंक है, जहाँ अर्बनाइजेशन होगी वहाँ पे क्राइम होगा। अब आप पाकिस्तान की बात देख लें, आईजी की रिपोर्ट आपके पास मौजूद है, एडी ख्वाजा की आपके पास रिपोर्ट मौजूद है, कराची के ऊपर डिफरेंट रेंजर की रिपोर्ट आपके पास मौजूद है कि कराची के अंदर क्राइम ज़्यादा है, ठीक है? लाहौर के अंदर सेम, क्योंकि दो पाकिस्तान के बिग अर्बनाइज्ड सॉरी दो आपके पास पाकिस्तान के बड़े शहर हैं, तो इनके अंदर क्राइम रेट ज़्यादा है। मैं आगे चल के आपको रीजन एक्सप्लेन करता हूँ। अब जो वजह बनती है, ठीक है, वो किस तरह बनती है? देखिए, होता यूँ है कि जब अर्बनाइजेशन होती है तो जो रूरल एरिया के जो लोग होते हैं उनको अर्निंग के लिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए उन्हें मूव करना पड़ता है अर्बनाइज सिटी से, क्योंकि उनके वहाँ पे वो सहूलतें मौजूद नहीं होती। जब एक सिटी की कैपेसिटी फ़र्ज़ करो 10 लाख है, ठीक है, अब वो 10 लाख लोगों के लिए घर, सैनिटेशन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये सारी सहूलतें वो पैदा कर सकते हैं, इस तरह हेल्थ की फैसिलिटीज़। अब जब उसकी बियंड, मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन से जो उसकी एक थ्रेश होल्ड लिमिट है,
वहाँ से पॉपुलेशन क्रॉस करती है, 10 की जगह 20 लाख हो जाते हैं, जब लोग मूव करते हैं तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का इशू आता है, वहाँ एजुकेशन का आता है, वहाँ पावर्टी, इन्फ्लेशन और इनकम इनइक्वालिटी होने लग जाती है, क्योंकि कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो जाता है। जहाँ पहले 10 लाख लोगों को सेम जॉब मिल रही थी, अब वो 20 लाख लोगों में डिवाइड हो जाएगी, तो कि इनकम इनइक्वालिटी आता है। तो होता क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की एक फॉर्म जो है, यानी कि लोगों को और जॉब करनी पड़ जाती है, एक ग्रेजुएट, एक बिजनेस ग्रेजुएट या फिर एक इंजीनियर आपको कॉल सेंटर्स में जॉब करते नजर आते हैं, छोटी छोटी जॉब्स करते नजर, ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट की ही फॉर्म है, ठीक है। या फिर कुछ लोग वो जॉब कर रहे होते हैं जो टेम्पररी नेचर होते हैं, ये भी अनएम्प्लॉयमेंट की फॉर्म है। या कुछ लोग ऐसी जॉब्स कर रहे होते हैं जो कि उनके लेवल स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रही होती, ठीक है। तो ये सारी की सारी टाइप, तो होता क्या है, जब ये वाले इश्यूज पैदा होते हैं तो क्राइम का रेट बढ़ता है, ठीक है। तो आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए आपको दूसरा वे नज़र आता है क्राइम का, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि अर्बनाइजेशन की वजह से पैदा होते हैं आपके पास। तो आपको मेरे ख्याल में बात समझ आई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसके बाद अर्बनाइजेशन का, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ इश्यूज हैं जो वो पैदा करता है। तो सैनिटेशन का, एजुकेशन है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज हैं जो किसके, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग का एक ऐसे आया है 2018 के अंदर, आप अगर उसको इस लिहाज से इंटरप्रेट करना चाहें कि अगर हमने फॉरेस्टेशन अगर हम करते रहेंगे तो ये हमारे क्राइम की तरफ भी जाएगा, डिफॉरेस्टेशन जो है हमारे पास अगर हम करेंगे तो क्राइम जनरेट करेगा ये, ठीक है। तो आप इसका एक पर्सपेक्टिव इस लिहाज से भी दे सकते हैं, क्योंकि जब वो करेंगे डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो क्या होगा, आपके पास लेस जो है वो मतलब रूरल एरियाज के अंदर जब ये एक्सपेंशन होगी तो रूरल एरियाज के अंदर आपके पास जो सोर्स ऑफ इनकम है लोगों की जो इससे रिलेटेड है, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है, वो कम होगी। तो लोगों के पास जब आपके अनएम्प्लॉयमेंट होंगे, लोगों को ज़रूरत नहीं होगी, तो लोग क्राइम कमिट करेंगे, अर्बनाइज सिटीज़ में आएंगे, ठीक है। तो ये इसके कुछ इश्यूज थे। अब जेंडर एंड क्राइम, देखिए आप जो सोशियोलॉजी या फिर जो जेंडर स्टडीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमेना है, ठीक है। और जो पाकिस्तान के अंदर या फिर किसी भी मुल्क के अंदर जो मेन एंड वुमेन हैं उनके जो रोल हैं, रोल ऑफ इन सोसाइटी हैं, वो डिफरेंट है। और जितनी भी सोसाइटीज़ हैं पूरी दुनिया के अंदर, मोस्टली यानी कि आप कह सकते हैं कि नियर टू 100% जो हैं वो तकरीबन सारी पेट्रियॉर्कल सोसाइटी, यानी कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। हाँ, ऐसा है कुछ कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे 84-85%, जैसे न्यूजीलैंड है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है आपके पास, और आपके पास स्विट्ज़रलैंड भी इसमें आ जाता है। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे वुमेन जेंडर इक्वालिटी वहाँ पे पॉसिबल हो रही है, 84-86% तक हो गई है। बट पाकिस्तान के केस में अगर हम देखें तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का आलम यह है कि शायद आज से 100 साल लगें इसको वाकई एड्रेस होने में कि हाँ यार ये एक बात है जिसके ऊपर बात होनी चाहिए। उसके बाद से आप लगा लें 400-500 साल पहले तक तो ये पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं होने वाला। अब क्योंकि क्राइम की जब मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी तो क्राइम के अंदर मैंने आपको एक कॉम्पोनेंट बताया था, उसके अंदर था अपॉर्चुनिटी का, एबिलिटी होनी चाहिए, डिज़ायर होनी चाहिए एंड अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अब देखिए अपॉर्चुनिटी क्योंकि क्राइम के पार्ट के अंदर आती है, अब हमने ये देखना है कि वुमेन और मेन के अंदर किसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ऑब्वियसली मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के अंदर मेन यानी कि आदमी के ऊपर, मेल के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन, ठीक है। और तो अपॉर्चुनिटीज़ भी क्राइम करने की किस में ज़्यादा होती है, मेन के पास होती हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि हर जगह पे आपको जो मर्द हैं वो ज़्यादा क्राइम करते नज़र आते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक पर्सपेक्टिव है, इसको हम फंक्शनलिज्म बोलते हैं, सोशियोलॉजी के अंदर आप पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था ये क्रिमिनोलॉजी सब ग्रुप है सोशियोलॉजी का। तो इंशाल्लाह जब मैं सोशियोलॉजी स्टार्ट करवाऊँगा तो मैं आपको वो बताऊँगा। तो फंक्शनलिस्ट का जो फॉलोअर्स हैं या फिर जो फंक्शनलिस्ट के जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उनका कहना ये है कि क्योंकि सोशल क्लासेस जो हैं वो इनकम और एजुकेशन के लिहाज से डिफरेंट होती हैं, तो इसलिए लिहाज से वो अपॉर्चुनिटीज में भी डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि हाई सोसाइटीज़ के अंदर, ठीक है, हाई सोसाइटीज़ के अंदर कौन सा क्राइम ज़्यादा होगा, वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम, मोबाइल स्नैचिंग, ठीक है, पर्स स्नैचिंग, इस तरह के क्राइम होंगे, या वहाँ पर हाई सोशल
क्राइम होंगे, किस तरह, जिस तरह वाइट कॉलर क्राइम, क्या आप एक गरीब का बच्चा, एक झोपड़पट्टी में रहने वाला बच्चा या फिर एक गरीब मजदूर का बच्चा क्या वाइट कॉलर क्राइम कमिट कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि सोशल क्लासेस के अंदर डिफरेंस है। जो अपर क्लासेस हैं उनके लिए क्राइम के लिए अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट है और वो क्राइम भी फिर अपने सोशल क्लास के हिसाब से करते हैं, और इसी तरीके से जो लोअर सोशल क्लासेस हैं उनके लिए क्राइम की अपॉर्चुनिटीज मुख्तलिफ हैं। तो ये फंक्शनलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस तरीके से आपके पास यानी कि सोशल क्लासेस के लिए अपॉर्चुनिटीज मुख्तलिफ हैं, इनकम और एजुकेशन के लिए, तो उनके क्राइम के लिए भी मुख्तलिफ है। तो यही हम पर्सपेक्टिव यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि क्योंकि मैन एंड वुमेन के रोल डिफरेंट है तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी मुख्तलिफ हैं। मेन के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, वुमेन के लिए कम है। इसलिए हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 20% जो है ना वो वुमेन जो है वो कम अरेस्ट होती है मेन के मुकाबले में। आप देख लें सारी जेलें मर्दों से भरी हुई हैं। क्यों? क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, ज्यादा रोल है मेन के पास, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। और किसी हद तक आप इसको अगर दूसरे में कर लें तो एबिलिटी है, एबिलिटी वुमेन के पास कम होती है, यानी कि वुमेन के लिए मर्डर करना थोड़ा सा मुश्किल है, मर्द के लिए फिर आसान है। ठीक है, तो एबिलिटी और अपॉर्चुनिटी दो फिनोमिना मर्द के पास ज्यादा है। ठीक हो गया, तो हम अब ये हम देखते हैं कि ये नहीं कि पाकिस्तान की मैं बात करूँ, आप अराउंड द वर्ल्ड किसी भी जगह देख लें, हर सोसाइटी के अंदर यही है कि मैन जो है वो ज़्यादा क्राइम कमिट करते हैं, और किसी भी कैटेगरी में, ये भी नहीं कि सिर्फ मर्डर में या रेप के या असॉल्ट में, हर जगह यानी कि मर्दों की क्राइम रेट ज़्यादा है। अब क्यों करते हैं ये एक बड़ी डिबेट है कि क्यों करते हैं, लेकिन मुख्तलिफ क्रिमिनोलॉजिस्ट और जो सोशोलॉजिस्ट हैं उनका कुछ पॉइंट जो है वो बिल्कुल सेम है। वो कहते हैं कि देखें तीन क्राइम करने के तीन है ना, एबिलिटी, अपॉर्चुनिटी और डिज़ायर। एबिलिटी मर्दों के पास ज़्यादा होती है क्राइम करने की, ठीक है, और उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। प्लस अगर इसके अंदर हम एक ऐड कर दें एक चीज़ कि डिज़ायर, डिज़ायर कब पैदा होती है? देखिए डिज़ायर उसी टाइम पैदा होगी ना कि जब ज़रूरत होगी। तो अगर हम इसको इस सेंस के अंदर लें कि जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होती है उसके अंदर मेल के पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आप जस्ट सपोज कि अगर आपकी आपकी वाइफ, एक किसी शख्स की वाइफ काम नहीं करती, वो कंट्रीब्यूट नहीं करती फाइनेंशियली घर के मामलात में, तो बच्चों की फीस, एजुकेशन, हेल्थ, खुशी गमी कौन सारा कुछ करेगा? मर्द को करने है ना, तो मर्द का काम है, उसने पैदा करने, कहीं से भी पैसे पैदा करने, तो उसके पास क्या होगा, उसके पास एक डिज़ायर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से डिज़ायर भी होगी कि भाई मैंने ही करना है। एबिलिटी पहले से है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं क्योंकि मेल डोमिनेटिंग है, कुछ भी कर सकता है मर्द, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, मेल डोमिनेशन है और लीडर है, घर का लीडर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द के पास है। तो ये सारे फैक्टर मिला के हमें ये बताते हैं कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे मेन जो है वो डोमिनेट करते हैं इन क्राइम में, और अराउंड द वर्ल्ड ये आपके पास पाया जाता है। अच्छा, नंबर जो हमारा 3 है शॉर्ट नोट के हवाले से, वो है हमारे पास है स्टॉप एंड फ्रिस्क ऑपरेशन। देखिए स्टॉप ऑपरेशन क्या होता है, ये एक बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए एक किसी पर्सन को रोका जाता है इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटी के लिए, ठीक है, और इसके अंदर कुछ शक व शुबहात हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये कि कहीं से कुछ रिपोर्ट मिली हो कि यहाँ पे क्राइम कमिट हुआ है, तो आपके पास देखिए आपने देखा होगा कि ये पुलिस स्पेशली आप देखें आजकल लाहौर के अंदर या दूसरे बड़े शहरों के अंदर हो रहा है कि बाइक्स वालों को काफ़ी ज़्यादा रोका जाता है, उनसे कुछ पूछा नहीं जाता, बस उनसे नाम पूछा जाता है, आईडी कार्ड देखा जाता है और उनसे उनकी जो बाइक है उनके डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं और लाइसेंस देखा जाता है और आपको फ़ौरन रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस के लिए होते हैं, कुछ एट द स्पॉट इंसिडेंट होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, कुछ इन अ लार्जर वे के अंदर, जिस सपोज के ये जो बाइक्स की रजिस्ट्रेशन हो रही है इसलिए हो रही है ताकि इस चीज़ का पता लगाया जा सके कि कितनी इलीगल बाइक्स और जो कार्स हैं वो इस टाइम रोड्स के ऊपर मौजूद हैं, ठीक है। तो ये एक लार्जर है, वो इन्वेस्टिगेशन रही है, बट नॉट इन द सेंस ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटी, बट इन द फॉर्म ऑफ अ लार्जर परस्पेक्टिव, ठीक है।
तो ये क्या होता है कि इसके अंदर एक थोड़े से टाइम के लिए किसी भी पर्सन पर्सन को रोका जाता है, उनसे उसकी आइडेंटिफिकेशन पूछी जाती है और उनसे कुछ मालूमात ली जाती हैं और उनको जो है वो छोड़ दिया जाता है। उसके बाद थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, मैं आगे बताता हूँ आपको। इसके अंदर वार्निंग रिक्वायर्ड नहीं होती, जस्ट सपोज कि पहले आप किसी को वार्निंग दो कि रोकने के लिए, नहीं, आप रोक सकते हैं किसी को भी, ठीक है, अनलेस यू आर अ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ऑफिसर इन केस ऑफ पाकिस्तान पुलिस नॉर्मली डू दीज थिंग्स। दिस ऑपरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम अरेस्ट, अरेस्ट नहीं होता इसके अंदर, कैन लीड टू स्टॉप ऑपरेशन, कैन लीड टू टू अरेस्ट, लेकिन ये डिफरेंट होता है अरेस्ट से। अरेस्ट के अंदर तो आप मतलब अरेस्ट करके गिरफ्तार करके उसको कस्टडी में ले लेते हैं, इसके अंदर आपके पास ऐसा नहीं होता। आप जैसे एक थोड़े से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंक्वायरी करने के लिए किसी पर्सन को आप रोकते हैं, इंक्वायरी करने के बाद आप पर्सन को उसे छोड़ देते हैं। और कर्टिसी इसके अंदर एक बड़ा एक डिफरेंट होता है कि आपने कर्टिसी को रखना है, आपने अच्छे लहजे बात करनी है, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या हो सकता है इसमें, यूँ हो सकता है कि एक ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन मिली हो सकती है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन मिली हो सकती है, या फिर उसको कोई शक हो सकता है, ठीक है, कि ये इंसान या तो क्राइम कमिट कर आ रहा है या करने के लिए जा रहा है, ठीक है, या फिर कोई एक ऐसा एक्ट करने जा रहा है, ऑफेंसिव एक्ट करने जा रहा है या ये कर चुका है, ठीक है। आप पेडेस्ट्रियन को भी रोक सकते हैं, पैदल चलने वाले को, और आप एक व्हीकल को भी रोक सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या है, स्टॉप ऑपरेशन है। देखिए इसकी कुछ हमारे पास ना प्रोसेस होता है स्टॉप ऑपरेशन के अंदर, जो हमारे पास ये मैंने लिख दी है इधर, इससे ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होता, यही हर जगह पे मतलब आपको मिलेंगे, जहाँ भी बुक्स में देखें मोरल ऐसा आपको यही कुछ मिलेगा। तो इसके अंदर नंबर वन क्या है हमारे पास है, नंबर वन इसके अंदर है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। नॉर्मली तौर पे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो लोग होते हैं वो यूनिफॉर्म में होते हैं, ठीक है, तो यूनिफॉर्म से फ़ौरन आपको पता लग जाता है कि आप ये किसी पुलिस से हैं या फिर किसी और इदारे से हैं, ANF से हैं या फिर किसी और हैं। लेकिन इन केस के अगर जस्ट सपोज के वो यूनिफॉर्म में नहीं है तो वो आपको जब आपसे पूछताछ शुरू करेगा तो वो आपको बताएगा कि अपना नॉर्मली तौर पे वो आइडेंटिटी कार्ड दिखा देते हैं, अपना नाम बता देते हैं, या फिर आप किसी इदारे से उसका बारे में बता दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक मतलब तरीका होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये यूनिवर्सल और स्टैंडर्डाइज वे हैं, ज़रूरी है पाकिस्तान के अंदर फॉलो होते हों तो इतना परेशान नहीं हो जाने इस चीज़ों को लेके। ड्यूरेशन ऑफ स्टॉप, देखिए ये डिफरेंट हो सकती है ड्यूरेशन ऑफ स्टॉप, अगर जस्ट सपोज कि किसी को रोका गया है, ठीक है, तो हो सकता है कि फौरन ही मतलब अभी बिल्कुल पूछताछ शुरू किए हो और पुलिस वालों को या फिर लॉ इन्फोर्समेंट को ये लग जाए कि नहीं इसने कोई क्राइम कमिट किया, तो फौरन रिलीज़ कर दिया जाता है, ठीक है। तो टाइम जो है वो डिपेंड हो सकता है कि कितनी देर के अंदर आइडेंटिफिकेशन ख़त्म हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन की जाती है उसके बाद रिलीज़ कर दिया जाता है। लेकिन एक इन केस के अंदर मतलब अगर कोई अगर रेजिस्टेंस शो करता है, जो कि मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, तो फिर उस केस के अंदर ये ड्यूरेशन बढ़ भी सकती है। एक्सप्लेनेशन गिवन टू द पर्सन, ठीक है, आप सबसे पहले उसको बताया जाता है कि आपको लॉ किस इदारे से हैं, और उसके बाद उसको रीज़न बताई जाती है ये किस वजह से स्टॉप कर रहा है, कि आप किस वजह से रोका गया, और क्या हमें आप पे कोई शक व शुबात है या फिर हमें आपसे कौन सी मालूमात चाहिए, ठीक है, तो उनको एक्सप्लेनेशन दी जाती है डिटेन पर्सन को। देखें यहाँ पे एक बात और के जो इफेक्ट हो सकते हैं, सॉरी राइट्स ऑफ डिटेन पर्सन क्या हो सकते हैं। देखें राइट ऑफ डिटेन पर्सन ये हो सकते हैं कि आप उसको कंपेल नहीं कर सकते कि वो जवाब दें, ठीक है, अगर मतलब फ़र्ज करो कि आइडेंटिफिकेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट ही की जाएगी कि आप अपने हम आईडी कार्ड दिखा दें, आप हमें लाइसेंस दिखा दें, आप हमें जो बाइक है या फिर व्हीकल है उसके हमें डॉक्यूमेंट्स दिखा दें, लेकिन आप कंपेल नहीं कर सकते। अगर आपको रेजिस्टेंस शो होती है तो फिर वो इफेक्ट ऑफ नो कोऑपरेशन के अंदर आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसके मतलब कि राइट ऑफ डिटेन पर्सन के अंदर यही होता है कि उनका नाम पूछा जाता है, उनका एड्रेस पूछ लिया जाता है, ठीक है, किस जगह से रहते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या काम से निकले हुए हैं, इस तरह करके ये वाली इंफॉर्मेशन ली जाती है। लेकिन अगर केस के रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, यानी कि नो कोऑपरेशन होती है, या फिर बाज़ औक़ात आपने देखा होगा जहाँ पर ये स्टॉप ऑपरेशन चल रहा होता है, अगर किसी को रोका जाए और वो नहीं रुकता, यानी कि बाइक अपनी व्हीकल वहाँ से निकाल जाता है या फिर भाग जाता है, तो फिर ऑब्वियसली ये सस्पिशियस एक्टिविटी की तरफ इशारा करता है, तो पुलिस फिर
फोर्स का इस्तेमाल करती है, उनका पीछा करती है, ठीक है, और फिर उनको डिटेन भी किया जाता है और फिर उन्हें अरेस्ट तक भी ये बात जा सकती है। यूज ऑफ फोर्स की तो ऐसी जरूरत नहीं होती इसके अंदर कि अनटिल एंड अनलेस जो है डिटेन जिसको रोका गया है, डिटेन पर्सन है, वो कॉपरेशन से इनकार कर दे और वो फोर्स इस्तेमाल करे, तो फिर अगर तो मतलब वो इस तरीके से फोर्स इस्तेमाल करता है तो के मतलब खतरा हो जाए पुलिस वालों को या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी वालों को, तो फिर तो यहाँ पे मतलब किसी भी तरीके किसी भी हद तक जाकर अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। उसके बाद है कि जस्ट सपोज कि किसी जगह क्राइम कमिट हुआ, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि एनी शाहिदीन का एक वर्ड इस्तेमाल होता है न्यूज़ में अक्सर आप सुनते हैं, तो उसमें होता यही है कि पुलिस जो है वो जो रैंडम लोग जो वहाँ पे करीब करीब होते हैं जो कि उस क्राइम सीन के टाइम पे मौजूद होते हैं उनको रोकते हैं, उनसे पूछते हैं जी आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे थे जब ये क्राइम हुआ, आपने क्या देखा, तो इस तरह के इनको एनी शाहिदीन बोलते हैं। तो जो जो करीबी विटनेस होते हैं उनसे रोक के उनसे इन्फॉर्मेशन ली जाती है, लेकिन आपने देखा होगा कभी आपने सुनो कि किसी यानी शायद इनको पकड़ लिया हो, उसे मारा हो, उसे गिरफ्तार कर लिया हो, यहाँ तक बात नहीं जाती, इन्फॉर्मेशन और का पर्पज़ है और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। और इसी तरीके से जो आपके पास क्या नाम है स्टॉपिंग व्हीकल है तो उसको स्टॉप व्हीकल की तरफ भी जाया जा सकता है, ठीक है, यानी कि व्हीकल को भी रोका जा सकता है, और अगर वहाँ पे मतलब पर्सन को सेम प्रोसेस फॉलो होगा चाहे वो बाइक पे है, चाहे वो पेडेस्ट्रियन है, चाहे वो व्हीकल पे है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि अगर कोई व्हीकल है तो उसके साथ कोई और सलूक होगा, जो पेडेस्ट्रियन है उसके साथ और सलूक होगा, सलूक वही है, इसका प्रोसेस स्टॉप का वही है। हाँ, लेकिन अगर स्टॉप के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, स्टॉप कैन लीड टू फ्रिस्क ऑपरेशन, स्टॉप कैन लीड टू अरेस्ट, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि जो डिटेन पर्सन है क्या वो कॉपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। और उसके बाद हमारे पास है फ्रिस्क ऑपरेशन है, देखें ये जो आपका पास है जो क्या कहते हैं आपके पास स्टॉप ऑपरेशन है, एक आपने और याद रखना है कि स्टॉप ऑपरेशन वो लीड कर सकता है फ्रिस्क ऑपरेशन में, इन केस के अंदर कि अगर नो कॉपरेशन और डिटेन पर्सन की तरफ से, तो ये उस तरफ भी जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एक रीजनेबल टाइम के लिए, थोड़े से ब्रीफ टाइम के लिए एक रीजनेबल एंड लिमिटेड सर्च होती है, किसी भी डेंजरस वेपन्स के लिए जरूरी नहीं है कि वो वेपन्स ही हों, वो कोई एक क्रिमिनल स्टफ भी हो सकता है, वो कोई ड्रग्स भी हो सकती हैं, ठीक है, या फिर किसी एविडेंस, ऐसी एविडेंस जिसकी पुलिस को तलाश हो या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को तलाश हो, वो भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, एक रीजनेबल लिमिटेड सर्च की जाती है कि कोई वेपन्स, कोई ड्रग्स, कोई क्रिमिनल स्टाफ, कोई इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है, तो इसके अंदर बेसिकली फ्रिस्क ऑपरेशन होता है। अच्छा, ये एक बात यह है कि ऑफिसर को बताने की ज़रूरत नहीं है फैक्चुअल फैक्ट्स के इन्फॉर्मेशन के हवाले से कि हम इसलिए आए हैं आपके पास ये करने के लिए आए हैं, इस तरह कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। और एक एनी स्मॉल सस्पिकन एंड हिंट ऑफ द डाउट इज इनफ फॉर एन ऑफिसर टू कंडक्ट फ्रिस्क, ठीक है। अब देखें, बाज़ औक़ात आपको ऑफेंडर्स नज़र आते हैं आपके पास पाकिस्तान लाहौर में, मुल्तान में, यहाँ पे डॉल्फिन्स आपको एक फोर्स इंट्रोड्यूस करवाई गई है, तो उसका काम क्या होता है, जस्ट सपोज ये वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, कुछ ऑफेंडर्स होते हैं, कुछ मिसबिहेव कर रहे होते हैं, तो उनको रोका जाता है, पूछा जाता है नाम क्या है, ये है वो है, उनकी तलाशी ली जाती है, फ्रिस्क ऑपरेशन किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है और फौरन छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और बाज़ुकात मतलब कोई ऑफेंडर्स होते हैं उनको वार्निंग दे दी जाती है, या फिर मतलब थोड़ी कोई पेनल्टी इस तरह कुछ करके होता है, नॉर्मली तौर पे यहाँ तक तो बात आती ही नहीं है, वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है, और आईडी कार्ड वगैरह इस तरह, बाइक का लाइसेंस, डॉक्यूमेंट्स वगैरह इस तरह चेक हो सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉप ऑपरेशन हो रहा हो, कोई रिफ्यूज़ कर दे, तो वही लीड कर जाएगा फ्रिस्क ऑपरेशन की तरफ, ठीक है। मैंने बता दिया कि वेपन के अलावा भी ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है, जैसे ड्रग्स हो गया, क्रिमिनल स्टफ हो गया, तो अगर इस तरह की कोई चीज़ मिलती है, ड्रग्स या वेपन, कोई भी इस तरह की चीज़ मिलती है, तो इमीजिएट तौर पे उसे सीज्ड कर दिया जाता है। और उसके बाद हमारे पास जो आखिरी हमारा टॉपिक है वो है सर्च एंड सीजर। ये आपने हर रोज़ ये आप सुनते हैं इसके बारे में कि सर्च एंड सीजर क्या होता है। तकरीबन तमाम ही लीगल सिस्टम के अंदर, जितने भी कंट्री हैं अराउंड द वर्ल्ड, तमाम कंट्रीज़ के अंदर ये एक लीगल सिस्टम के अंदर एक प्रोसेस होता है, और इसका प्रोसेस
होता है इसलिए कि पुलिस या फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी किसी चीज़ की तलाश में होती है, सर्चिंग में नहीं ना कि लुकिंग फॉर समथिंग, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोसेस होता है जिसके में आपके पास पुलिस या कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो कहीं भी क्राइम कमिट हुआ है या फिर क्राइम होने के लिए जा रहा है या कोई सस्पिशियस है, ठीक है, तो उनको क्या होता है सर्च की जाती है उसकी प्रॉपर्टी को या ओपन फील्ड को, किसी भी जगह को सर्च किया जाता है और एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड मटेरियल को वहाँ पे क्या किया जाता है, गैदर किया जाता है। सीजिंग मीन्स टेकिंग समथिंग इन कस्टडी फॉर द पर्पज ऑफ एविडेंस विच कैन बी यूजफुल फॉर द क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ठीक है। आप इस तरह जैसे कि सर्चिंग करते के दौरान कोई ऐसा मटेरियल मिलता है जो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, तो उसको कस्टडी में लिया जाता है और बाद में उसको एज ए प्रूफ के तौर पे, एविडेंस के तौर पे, टेस्टिंग के तौर पे उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई ऐसी चीज़ मिली जिसको आपको लगता है जिसकी लेबॉरेटरी टेस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है, तो उसके हवाले से उसको सीज करके और उसके बाद उसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाती है। तो सर्च एंड सीजर यही है। अच्छा, और एक बात याद रखनी है कि सर्च एंड सीजर मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आपको इसके अंदर वारंट रिक्वायर्ड होते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आपको वारंट रिक्वायर्ड नहीं होते। आपके किसी के घर में जाके ऐसे छापा नहीं मार सकते आपको उसमें, क्योंकि आपको प्राइवेसी को इसके अंदर अंडर कंसिडरेशन रखना होता है। तो आपको देखा होगा आपने कि सर्च वारंट होते हैं लोगों के पास, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि इसकी प्रोविजन दी जाती है कि आप विदाउट वारंट सर्च कर सकते हैं, क्योंकि जस्पोज अगर आप किसी को ये पता लग जाए कि आपका सर्च वारंट है तो जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है एविडेंस के ख़राब होने के या फिर डिस्ट्रॉय होने के या फिर गायब हो जाने के खदशात होते हैं। तो आपने जैसे देखा होगा कि अभी कुछ टाइम पहले एक स्टॉप ऑपरेशन हुआ, रोका गया राणा सनाउल्ला की गाड़ी को, उसके बाद वहाँ पे सर्च की गई, उसके बाद अकॉर्डिंग टू एंटी नारकोटिक्स फोर्स वहाँ पे उन्हें ड्रग्स हीरोइन उन्हें मिली वहाँ पे, तो उन्हें सर्च किया गया, सीज किया गया, ठीक है। तो अगर जस्ट वो पहले ही बता देते हैं, अगर इसी तरह का, मुझे नहीं पता ये बात सच है कि नहीं है, लेकिन जस्ट वो पहले ही बता दिया जाए कि आपके सर्च वारंट मिल रहे हैं तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में मसला हो सकता है, ठीक है। तो ये वेरी करती है, कंट्री टू कंट्री वेरी करती है, केस टू केस वेरी करती है। जैसे नैब के पास बड़ी एक्सक्लूसिव पावर्स हैं सर्च एंड सीजर्स की, आपके आगा सराज दुरानी के केस में आपने देखा होगा, ठीक है, अभी ये रिसेंटली जो हमारे पास केस हुआ है। एक बात और याद रखनी है कि मैं जितने भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है किसी के बारे में, मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको जस्ट एग्जाम्पल देने के लिए। मैं आगा सराज दुरानी के अलावा मैं आपको और भी एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ, ठीक है, तो किसी ने इसको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेना, अपने सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लेना है। ये मैंने केसेस इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये बड़े फेमस हैं, सोशल मीडिया पे भी लोगों ने देखे हैं, तो इस तरह करके मैंने ये लिए हूँ यहाँ पे। अच्छा, मैंने जैसे कि बताया कि कहीं कहीं इसकी ज़रूरत होती है सर्च एंड सीजर की, कहीं ज़रूरत नहीं हो सकती। जैसे मैंने लिखा भी उधर, द रिक्वायरमेंट ऑफ परमिशन फॉर सर्च एंड सीजर इज कैन हैम्पर द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस एज द ऑफेंडर्स कैन आल्टर द एविडेंस, ठीक है, एविडेंस को आल्टर कर सकते हैं, ठीक है। द एविडेंस सीज बाय द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कैन बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ टेस्टिंग, पहले आपको बता चुका हूँ। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि सर्च एंड सीजर के अंदर, जैसे मैंने जो वारंट के बारे में बताया कि प्राइवेसी का ख्याल करना चाहिए। आपने देखा होगा कि आगा सिराज दुरानी जो कि स्पीकर सिंध असेंबली हैं, उन्होंने इस चीज़ की शिकायत भी की कि फैमिली क्या नाम है, मैं सब कुछ करने के बावजूद भी फैमिली रेड की गई घर के अंदर, फैमिली मेम्बर्स को डिस्टर्ब किया गया। तो इस तरह की, यानी कि इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि प्राइवेसी फैमिली की वो प्रिवेल हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बहुत रेलिवेंट किस्म की मूवी है, रेड इंडियन मूवी है, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कोई हीरोगिरी नहीं दिखाई गई। अगर आप उस रेड को देखें तो जैसे ही वो उनको जिनके घर वो जाके सर्च वारंट और सीज वारंट लेकर जाते हैं, तो वहाँ पे जाके सबसे पहले वो मेंबर्स को गाइडलाइन देते हैं कि आपने क्या करना है, आपने क्या नहीं करना है। उनके साथ फीमेल स्टाफ मौजूद होता है, ठीक है, तो जिस तरह का वो कंडक्ट दिखाया गया बेसिकली प्योर यही कुछ कंडक्ट का इन्हें बुक्स के अंदर या फिर इनकी ट्रेनिंग के दौरान इन्हें पढ़ाया जाता है कि आपने इसको करना है, क्योंकि आपने एथिकल गाइडलाइंस को आपने नहीं करना, बिलो द बेल्ट आपने नहीं जाना, प्राइवेसी का और आपने वल्नरेबल पीपल्स का जो है वो ख्याल करना है। तो दोस्तों, ये आज का हमारा लेक्चर था, बहुत आसान लेक्चर था, बहुत जेनेरिक था,
मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स काफ़ी डिटेल के अंदर पढ़ाए हैं, मेरे ख्याल में आपको ये मोर देन इनफ होगा। आप इसको रीड आउट कर लें, नेट से कर लें, कोई बुक जो आप कंसल्ट कर रहे हैं वहाँ से आप कर लें तो आपके लिए मोर देन इनफ होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसको जल्दी वाइंड अप करेंगे, आपके पास आज फोर्थ लेक्चर मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसके बाद आपके कुछ लेक्चर्स और रह गए हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी आपके तमाम लेक्चर्स अपलोड कर दिए जाएँ, और इसके बाद हमें ताकि नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसको हम स्टार्ट करें। वोकेबलरी ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो इसके अलावा मैंने आपको हर वीडियो में मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट किसी भी टॉपिक के हवाले से कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, इंशाल्लाह मैं उसको ज़रूर एड्रेस करूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।